हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था आपको कि माइटोसिस क्या होती है, उसे कितने फेज होते हैं, क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है और क्यों जरूरी होता है। ओके, एक सेल डिवीजन के बारे में आपको पूरा पढ़ाया था। मैंने बताया था कि इंटरफेज स्टार्टअप कैसे होता है, माइटोसिस पहले कैसे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, उसमें क्या क्या उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसी बात में मैडम से पढ़ाई थी। इसमें चार फेज पढ़ाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, आप सबको समझ में आ ही गया होगा। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक कौन सा है? मियोसिस। हमने बताया था आपको ना कि संरचना के दो फेज होते हैं, कौन-कौन से? माइटोसिस होती है पहले, दूसरी मियोसिस। माइटोसिस हमने फुल्ली कंप्लीट कर ली थी। हां, आज हम पढ़ाएंगे आपको कौन सा? मियोसिस। ओके, सो तो मियोसिस होती क्या है, कौन सा डिवीजन होता है, कहाँ पे जरूरी होता है, कैसे होता है, आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो मियोसिस इज द सेल डिवीजन, लेकिन वो माइटोसिस थोड़ा डिफरेंट होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन था, एक सेल डिवीजन होता है, बट इट इज अ मोड ऑफ सेल डिवीजन जो जिसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये सारे जर्म सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, इसको याद रखना, मियोसिस कहाँ पे होती है? आपकी जर्म सेल्स के अंदर, जर्म सेल्स या फिर इसके लिए होता है कि गैमेट प्रोडक्शन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, जो हमारी माइटोसिस से डिवाइड करती है, मतलब जो माइटोटिक सेल्स की कौन सी होती है, हमारी बॉडी कितनी सेल्स होती है एक्सेप्ट जर्म सेल्स, हमारी कौन सी होती है? माइटोटिक होती है। और जो हमारी जर्म सेल्स या फिर गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल्स इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी होती है? मियोटिक होती है। ठीक ना, मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन से जो सेल्स फॉर्म होती हैं, कौन सी होती हैं? जर्म सेल्स होती हैं या फिर रिपीट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, वो सेल्स होती हैं। मतलब 2n से जो आपका n बनता है, आपका इस पे कहते हैं मियोसिस डिवीजन। इसको हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, बहुत जरूरी होता है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अगर इस नंबर को हाफ कर रहा है, ठीक है, देखो ना, ये को n को n में कर देना, इसको हाफ कर देना, आधा कर देना, रिडक्ट कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये उस नंबर को हाफ कर दे रहा है। जो प्रायोरिटी ऑफ एन होती है, जो सेल की प्रायोरिटी होती है, उसको वो एन से माइटोटिक से मियोसिस कर दे रहा है। हां, मतलब उस नंबर को हाफ कर दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि नीड फॉर मियोसिस, मियोसिस क्यों जरूरी है जब माइटोटिक्स हमारी बॉडी में बनी रही है, जर्म सेल्स भी उससे बन सकती है ना। ये एक मतलब क्वेश्चन आता है लोगों के माइंड में, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मतलब माइटोटिक से सारी बॉडी सेल्स बनी रही है, तो उन्हीं माइटोटिक डिवीजन से जर्म सेल्स भी बन सकती है, उसी माइटोटिक से बेबी फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस इतनी जरूरी क्यों हो रही है? सो देखो, मान लो ऐसे कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स पर कितनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पूरे बॉडी की फंक्शनिंग देखते हैं, और जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसके लिए आता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, वही बताता है कि हमारा सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो जो हमारे मतलब बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब मान लो यहां पे कंसीडर करो कि आपकी बॉडी के अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या हो रहा है आपके अंदर? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। तो कोई सेल थी वो 2n थी, माइटोटिक थी, अब इसका जो डिवीजन होगा फर्दर फिर 2n हो जाएगा ना, तो मतलब जो आपके क्रोमोसोम्स यहां पे फॉर्म हो रहे हैं वो 4n हो रहे हैं। ठीक है, जो आपके गैमेट्स बन रहे हैं 4n हो रहे हैं। 4n का मतलब क्या हुआ? 46 क्रोमोसोम्स थे। हां, अभी आगे कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 46 थे, अभी कितने आ गए अपने अंदर? 92 क्रोमोसोम्स आपके अंदर आ गए। ठीक है, पहले 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, कितने थे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, अब कितने हो गए? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि ईच सक्सेसिव डिवीजन में जहां जहां आपकी सेल डिवाइड होगी, इसके बाद उस बॉडी के अंदर क्या होगा? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा। ठीक है, 96 क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे आपस में, लेकिन ऐसा होता नहीं, इट डजंट हैपन इन आवर बॉडी। अगर ऐसा हो गया तो आपके चार हाथ भी निकल सकते हैं, चार पैर भी निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, किसी को इस बारे में पता नहीं, ऐसा हो गया तो क्या होगा? ओके, सो ये गलत है। ठीक है, जो राइट वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, कैसे होता है? जब 2n से कोई सेल डिवाइड करके n बनती है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे,
जब इसका रिडक्शन रेट इंक्रीज होता है, जब ये रिड्यूस हो जाता है हाफ, तो इसका एवरेज फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, गेमिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो गेमिंग में इतने सेल्स होती हैं कैसे होती हैं, मियोटिक होती हैं। ठीक ना, तो यहां पे इसकी नीड क्या है कि इन सब को रोकने के लिए इसकी नीड यहां पे आती है कि हम जो गेमिंग वाले फॉर्म होते हैं कैसे होते हैं, सिंगल प्लेयर फॉर्म से होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा क्या होता है क्योंकि जब मेटिंग होती है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमिट होता है, तो एक गेमिट किसका आता है, एक होता है आपका मेल गेमिट का होता है, ठीक है, और जो दूसरा कौन सा होता है, फीमेल गेमिट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दूसरा कौन सा होता है, फीमेल गेमिट, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब मेल गेमिट जो आपका क्या था, एन था, और फीमेल गेमिट जो आपका एन था, जब ये दोनों मिलते हैं तो कैसा मिलता है, टू एन जायगोट बनाते हैं। ठीक है, टू एन जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो अगर ये 2n और 2n मिल जाएंगे तो कैसा जायगोट बनेगा आपका, 4n बन जाएगा। ठीक है, और 4n जायगोट जो फर्दर डिवाइड होगा, 4n टू 4n मतलब 8n 16n फिर 64n 32n, मतलब ये सब फॉर्मेशन बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई होता नहीं है, तो उसकी फॉर्मेशन को सही करने के लिए हम मियोसिस करवाते हैं, ताकि मेल के पास भी एंडोप्लाइड हो, फीमेल के पास भी एंडोप्लाइड हो, दोनों मिलकर 2n एक डायप्लॉइड जायगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी मियोसिस की इंपॉर्टेंस। अब मियोसिस होती कैसे है, उसमें कितने से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिसमें आकर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, मियोसिस जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो फर्दर दो स्टेजेस डिवाइड होती है। ठीक है, ये फर्दर इसमें डिवाइड होता है दो स्टेजेस में, पहला होता है आपका मियोसिस फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज मियोसिस सेकेंड। ओके, मियोसिस सेकेंड मतलब मियोसिस हो रही है बट इसके दो सक्सेसिव डिवीजन हो रही है। ठीक है, दो सक्सेसिव डिवीजन यहां पे लाई करते हैं, कौन-कौन से, आपका पहला होता है मियोसिस फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज और मियोसिस सेकंड। ठीक है, इसके अंदर भी सेम स्टेजेस माइटोसिस के ही होते हैं, इसके अंदर भी सेम स्टेजेस माइटोसिस होते हैं, बस कुछ स्टेजेस में कुछ डिफरेंसेस आती हैं, बाकी जो हमने माइटोसिस पढ़ा था ना, सेल डिवाइड कैसे करती है, यहां पर भी डिवीजन वैसे ही होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, बस हल्का फुल्का माइन्यूट सा डिफरेंस होता है किसी किसी स्टेजेस में, वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो एक ओवरव्यू देख लो मियोसिस होती कैसे है। ठीक है, ये आपकी मियोसिस हो गई, जो उसका स्टार्टअप होता है, सुनिश्चित होता है माइटोसिस का समस्त इंटरफेस से, तो मियोसिस में पहले कैसे होती है, पहला हमारा होता है इंटरफेस, जो सेल होती है उसको प्रिपेयर करती है मियोसिस करवाने के लिए, उसके बाद हमारा होता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट जिसकी फर्दर चार फेज होते हैं, कौन-कौन से, प्रोफेज फर्स्ट, ओके, एंड द सेकंड वन इज आवर मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड वन इज एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, एंड द फोर्थ वन इज टीओफेज फर्स्ट। ओके, ये सब हमने मेटाफेज में पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी सेम ही पढ़ेंगे बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ, एंड सेकंड वन इज जो हमारा डिवीजन स्टार्ट होता है, कौन सा होता है हमारा, मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड होता है हमारा, इसके फर्दर कितने फेज होते हैं, चार फेज होते हैं, कौन कौन से, आपका आपका हो गया प्रोफेज सेकंड हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका हो गया मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, थर्ड वन इज एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एंड द फोर्थ वन इज आपका आ गया टीओफेज सेकंड। ओके, तो ये सब चीज देखा आपने, लेकिन बस थोड़ा लेकिन ये चीज याद रखना, ध्यान से, जब हम माइटोसिस करवा रहे थे एक सेल डिवाइड होके दो में बट रही थी। ठीक है, लेकिन मियोसिस के टाइम पे जो गेमिट फॉर्मेशन होता है तो वही सिंगल सेल फर्दर डिवाइड होके चार में बटती है। ठीक है, वही फर्दर सेल डिवाइड होके चार में बटती है, इसकी बॉडी एन एन में होती है। ठीक है, इसीलिए मियोसिस को कहते हैं, इसमें चार सेल का फॉर्मेशन होता है एक डिवीजन में, मतलब मियोसिस फर्स्ट में दो बनेगी और मियोसिस सेकंड में दो बनेगी, मतलब मियोसिस में क्या होगा, एक सेल से यहाँ पे दो बनेगी, हाँ,
और फर्दर ये दोनों जो दोबारा डिवाइड करेंगे यहां से चार से मेन न्यूरॉन सेगमेंट आपके। तो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ठीक है, मतलब कि माइटोसिस से क्या हो रहा है, यहां पे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। देखिए यहां पे मियोसिस से क्या हो रहा है, आफ्टर द कंप्लीशन कंप्लीशन ऑफ मियोसिस क्या हो रहा है, यहां पे फर्दर फोर न्यूक्लियस से फोर सेल्स यहां पे बन रही है, ठीक है, वो सब यहां पढ़ेंगे। तो मियोसिस में पहला हम क्या पढ़ेंगे, इंटरफेज, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट की फेजेस, एंड आफ्टर दैट मियोसिस सेकंड फेजेस, आफ्टर दैट मियोसिस कंप्लीशन। ओके, सो आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा फेज, हमारा पहला फेज जो मियोसिस फर्स्ट का है, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट का पहला फेज कौन सा है, प्रोफेज फर्स्ट। सो बट उससे पहले आपको क्या पढ़ना है, यहां पे इंटरफेज, मियोसिस जब यहां फर्दर स्टार्ट होती है तो उसके लिए कौन सा होता है रिस्पांसिबल, मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट से पहले यहां पे क्या जरूरी होगा, सेल को खुद से प्रिपेयर करना मियोसिस फर्स्ट के डिवीजन के लिए। जब सेल को खुद को प्रिपेयर करती है मियोसिस फर्स्ट के डिवीजन के लिए तो कौन सा फेज होता है हमारा, इंटरफेज, इट इज आल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि ये सब इसके अंदर सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इसके अंदर मतलब सेल को डिवीजन के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब इंटरफेज के अंदर बनते हैं, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट से पहले क्या होगा, इंटरफेज होगा, उसके अंदर क्या बनेगा आपका, वही क्रोमोसोम्स बनते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, होमोप्लास्ट, ये सब जितने भी फॉर्मेशन होते हैं सेल प्लाज्मा के अंदर, जितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल डिवीजन के अंदर, वो सब इंटरफेज में बनते हैं। माइटोसिस से पहले भी यहां पे इंटरफेज हुआ था, मियोसिस से पहले भी यहां पे क्या होगा, इंटरफेज होगा, आफ्टर दैट हमारा क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट की स्टार्टअप होगी, ठीक है, और मियोसिस फर्स्ट का जो पहला फेज होता है कौन सा होता है आपका, प्रोफेज फर्स्ट। ओके, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट को और क्या बोल सकते हैं यहां पे, लॉन्गेस्ट फेज, मैंने बताया था उसके अंदर माइटोसिस के अंदर इसका स्टेटल क्या है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। लेकिन जहां पे हम मियोसिस स्टार्ट करते हैं, जब मियोसिस स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर एक और चीज आती है, ये लॉन्गेस्ट फेज तो होता ही है, प्लस इसके साथ साथ फाइव स्टेजेस और इन्वॉल्व रहती है यहीं पर प्रोफेज के अंदर ही। वो कौन कौन सी स्टेज होती है आपकी, होती है कौन सी, मतलब फाइव स्टेज आप इन्वॉल्व हो जाएंगी, कौन सी होती है स्टेजेस, पहला होता है आपका कौन सा, लेप्टोटीन, ओके, लेप्टोटीन होता है, सेकेंड वन आपका होता है पेकाइटीन, थर्ड आपका होता है जाइगोटीन, फोर्थ वन आपका होता है कौन सा, डायप्लोटीन, एंड द फिफ्थ वन इज डायकाइनेसिस, ओके, डायकाइनेसिस। यहां पे देख रहे हो ना, यहां से प्रोफेज स्टार्ट हुई, प्रोफेज के अंदर फर्दर फाइव स्टेजेस आ गई, कौन कौन सी आ गई, लेप्टोटीन आ गई, पेकाइटीन आ गई, जाइगोटीन आ गई, डायप्लोटीन आ गई, डायकाइनेसिस आ गई। ये सब क्या करती है, उस सेल को हेल्प करती है कि अपने अंदर क्रोमोसोम्स को क्या करें, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मतलब जो हमने सेल डिवीजन वाला स्टार्ट किया था, हमने क्या पढ़ा था कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, फिर उसका मतलब फर्दर डिवाइड होते हैं उस तरह से, ठीक है, इसके अंदर जो डिवीजन होता है इस तरह होता है, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गया, यहां पे ये आपके सेंट्रीओल्स हो गए, जो एस्ट्रोलेट का फॉर्मेशन होता है, फिर स्पिंडल स्पिंडल वगैरह वगैरह, हां ठीक है, ये आपका सेंट्रीओल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। देखिए जो यहां पर क्रोमोसोम्स बनते हैं ना पेयर में, वो क्या करते हैं, बाइवेलेंट पेयर, देख लो ये दो पेयर बनते हैं, ये सब बाइवेलेंट टाइप के क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, बाइवेलेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, बाइवेलेंट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर पेयर्स होता है इनका, सिमिलर इनका प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और इनका एक पेयर बनता है इसके अंदर, इन पांचों के बाद एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां बन जाता है, जो फर्दर मियोसिस करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। तो जब इसका मेन फीचर होता कौन सा होता है, बाइवेलेंट पेयर, और इसके साथ साथ यहां पे क्या होता है, इसके साथ यहां पे क्या होता है कि मतलब जो उसके अंदर हुआ था क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारी होती है डिसइंटीग्रेट करनी स्टार्ट हो जाती है, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, हां डिसइंटीग्रेट, और क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस गायब हो गया हमारा। तो यहां पर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस हमारा जो होता है स्टार्ट डिसअपीयर, ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया यहां पे, और क्या होता है यहां पे, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर।
जो ये दो क्रोमोसोम देख रहे हो ना आप, ये देखो ना, ये एक क्रोमोसोम का पेयर ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में क्रॉसिंग हो जाती है, मतलब इसका ये क्रोमेटिन टूट के यहां पे चला आता है, हां इसका ये क्रोमेटिन टूट के यहां पे चला आएगा। सेंट्रोमियर देखो ना, दो क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, ठीक है। इसका ये वाला क्रोमेटिन टूट के यहां पे चला आता है और इसका ये टूट के यहां चला आता है, मतलब क्रॉसिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब दो टाइप के क्रोमोसोम फॉर्म हो रहे हैं, एक क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम, ओके, एंड द सेकंड वन इज पैटर्नल क्रोमोसोम, ओके। ये दो टाइप के क्रोमोसोम यहां फॉर्म होते हैं, कौन से, मैटरनल क्रोमोसोम होता है और दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। फिर इनके बीच में क्रॉसिंग हो जाता है, मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाते हैं और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करवाते हैं, तो ठीक है। यहां पर क्रोमोसोम में देखा क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, यहां पे पहले पांच स्टेजेस हुई, लॉन्गेस्ट फेज तो होता है कि पांच स्टेज फर्दर होती है, लेक्टोटीन, पैकाइटीन, जाइगोटीन, डायप्लोटीन, डायगेनेसिस, व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और वी कैन से दैट बायवेलेंट क्रोमोसोम, मतलब ये सब मेजर के बाद क्या होता है रिजल्ट उसका, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाता है, जो नेचर में कैसा होता है, बायवेलेंट होता है, ठीक है। बायवेलेंट होता है प्लस जो दोनों क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। फिर क्या होती है, उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, मतलब कुछ उसके कैरेक्टर्स मैटरनल वाले के पैटर्नल में ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्नल वाले के मैटरनल में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको, वहां पे क्या हुआ यहां पे। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियस गायब हो गया वहां से, जो आप फर्दर पहले हुआ था, फिर स्पिंडल रेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एस्टर रेस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, सेंट्रीओल्स क्या करते हैं, अपोजिट पोल से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सब माइटोसिस में होता है। मियोसिस में क्या हो रहा है, कुछ बस इतनी सी स्टेजेस है जो अलग हो रही है, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब हो गया, आपका यहाँ पे प्रोफेज खत्म हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, हाँ यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद क्या होगा आपका, मेटाफेज फर्स्ट, ओके। उसमें हमने पढ़ा था मेटोसिस के अंदर मेटाफेज, इसके अंदर भी ये होता है, बट एक डिफरेंट स्ट्रक्चर पास होता है इसके अंदर, ठीक है, देखते ना समय पे। मियोसिस फर्स्ट की दूसरी स्टेज होती कौन सी थी आपकी, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट। उस मेटाफेज में क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था जो क्रोमोसोम्स के इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाइन कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे क्या कर रहे होंगे, ये आपके सेंट्रीओल्स हो गए, ठीक है, एस्टरेस, हां, और ये आपका होगा स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो आपके क्रोमोसोम्स होंगे ना, अब यहां पे आके लाइन करेंगे, ठीक है, लेकिन जो इस बार क्रोमोसोम आपके यहां पे लाइन कर रहे हैं कैसे हैं, इन अ पेयर ऑफ बायवेलेंट, बायवेलेंट पेयर में यहां पे लाइन कर रहे हैं, देखो यहां पे, ठीक है, देखो ना आगे, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो ना, दो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पे इक्वेटोरियल प्लेट पे लाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ आपका मेटाफेज सेकंड में, देखो प्रोसेस तो सारी वही है, बट यहां पे कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गए, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, यहां पे क्या है, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहां क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इक्वेटोरियल प्लेट फेज, ठीक है, इक्वेटोरियल फेज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां पे जो क्रोमोसोम से आपके इक्वेटर पे आके लाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे क्या होना है, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है यहां पे, हां, और सेंट्रीओल्स जो होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जिसे क्रोमेटिन अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर देख लो आपका, ये आपका सेंट्रोमियर बीच का, ठीक है। ये सेंट्रोमियर जो होता है ना, इसका जो फेस होता है ये किस साइड में लाइन करता है, सेंट्रीओल्स के साइड में लाइन करता है, और जिनके सेगमेंट्स होते हैं क्रोमेटिड्स ऊपर के, वो किस साइड में लाइन करते हैं, सेंट्रल इनवर्ट, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब कि जो सेंट्रोमियर होता है वो किस साइड में फेस कर रहा होता है, पोल्स की तरफ, जो पोल्स होते हैं सर से उस तरफ फेस कर रहा होता है सेंट्रोमियर आपका, और जब क्रोमेटिड्स होते हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे होते हैं, मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहां पर आपका, ये देख लो ना,
आपको सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ आई कर रहे हैं और जो आपके ये क्रोमेटिड्स हैं ये सब इनवर्ट साइड में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनवर्ट साइड में लाई करते हैं और ये सब टूवर्ड पोल्स, ओके। तो जो आपका सेंट्रोमियर था पोल्स के साइड में और सेगमेंट्स आपके इनवर्ट साइड में, ठीक है। इसके बाद एनाफेज होगी, मेटाफेज में क्या हुआ, इक्वेटोरियल फेज आया जहां पे जितने भी क्रोमोसोम्स थे बाय बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब इक्वेटर पे आके लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट वाली, ठीक है। यहां पे क्या होगा हमारा एनाफेज फर्स्ट। अब उसमें एनाफेज में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम्स का सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो सब सेंट्रोमियर उसका स्प्लिट होकर सेंट्रोमियर उसका टूट कर बिखर जा रहा था और दो दो मतलब क्रोमेटिड्स के साथ जो क्रोमोसोम्स थे पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, सेंट्रोमियर यहां पे स्प्लिट नहीं होता है, जो मेन पॉइंट क्या है आपका कि सेंट्रोमियर जो होगा आपका स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्रोमोसोम्स जो होंगे विद सेंट्रोमियर पोल्स के साइड में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यह आपका डायग्राम हो गया, ठीक है, देखो यहां से जाए आप, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहां पे एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं बिना ब्रेक हुए, ठीक है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में यहां पे अटैच थे, बायलैटरल पेयर बने हुए थे, अब ये पेयर तो ब्रेक हो गया यहां पे और ये दोनों क्या करने लगे, पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, पोल्स की तरफ से उनका मूवमेंट होने लगा, ठीक है, देखो अलग-अलग हो सारे। तो यहां पे क्या होता है फर्दर कि जो आपका क्या होता है स्पिंडल फाइबर जो होता है श्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का श्रिंक करना स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर श्रिंक्स, उसके बाद क्या होगा, सेंट्रोमियर का स्प्लिटेशन नहीं होता है, सेंट्रोमियर डजंट स्प्लिट, लेकिन यहाँ पे विदाउट द एक्चुअल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स वो सब पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, एस्ट्रोगेज जिसको खींच के यहाँ पे लेके आ रही है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स को खींच के पोल्स की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स pulling chromosomes towards poles, okay? You all got my point? मतलब कि यहाँ पे एनाफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोजोम्स को सेंट्रोमियर के साथ जो सेंट्रियोल से खींचकर पोल्स की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एनाफेज फर्स्ट। इसमें क्या पॉइंट कर सकते हो आप, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट श्रिंकिंग, सेंट्रोमियर डजंट स्प्लिट या फिर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर डजंट हैपन एंड सेंट्रियोल स्टार्ट्स पुलिंग क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल्स, ओके। सो गाइस हमने भी खत्म किया कि अपना प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। अब यहां पे आपको कौन सा आता है, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहां पे क्या हुआ कि जो हमारा उस टाइम पे क्या हुआ था, एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स थे वो मूव करना स्टार्ट कर चुके थे किसके साइड में, पोल्स के साइड में, ठीक है। और ईच क्रोमेटिड इज नोन एज देयर क्रोमोसोम्स। अब इसमें क्या हुआ कि फिर से मतलब यहां पे एक न्यूक्लियस था जो टूट गया, दो में बदल गया, देखा आपने यहां पे, ठीक है, एक न्यूक्लियस टूट गया, दो में हो गया, आपका स्टेरियो में ऐसा फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आपका टेलोफेज फर्स्ट की कंप्लीशन के बाद होता है। उसमें क्या होता है कि मतलब फिर से जो क्रोमेटिन होंगे कॉइल करके मतलब फिर से मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियर आ जाता है आपका, सेंट्रियोल्स ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। टू अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, इसके अंदर भी ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तथा पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स उसके अंदर भी फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद मतलब यहां पे हमारी मियोसिस फर्स्ट खत्म हो रही है, ठीक है। ये हमारा मियोसिस फर्स्ट का कंप्लीशन होता है। इसमें क्या होता है, ईच पोल्स पोजेसेस हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब जितने भी पोल्स होते थे क्या हो गए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चले गए, ठीक है। और क्या हुआ, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर द क्रोमोसोम्स एंड पोल्स आर आइडेंटिकली डिफरेंट फ्रॉम पैरेंटल क्रोमोसोम्स। उस समय क्या हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर हुई थी ना, मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में ट्रांसफर हो गए थे, तो ऐसे क्या हो
हुआ कि जो पेरेंटल के क्रोमोसोम्स थे उनके रिलेशन क्या थी, सिमिलर थे ठीक है, लेकिन जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ट्रांसफर हो गए आपस में तो जो यहाँ पे नया क्रोमोसोम बनेगा वो अपने पेरेंट से क्या होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा थोड़ा भी, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर द क्रोमोसोम्स एट पेयर पोल्स आर आइडेंटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल क्रोमोसोम्स। ओके, स्पिंडल फाइबर गायब हो चुके हैं, फिर क्रोमेटिन डोर दोबारा से रिफॉर्म हो गया, रिफॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन डोर अकर्स। ओके, अब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट की कंप्लीशन के बाद, मतलब टेलोफेज की कंप्लीशन के बाद यहाँ पे जस्ट साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है, मतलब कि ये सेल यहाँ डिवाइड होकर दो में बढ़ सकता है या फिर नहीं हो सकती है, ठीक है, इट मे और मे नॉट बी हैपेंस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। ओके, इसके जस्ट बाद जो है स्टेज आती है कौन सी आती है, मियोसिस सेकंड। So here the completion of meiosis first. Now we are going to study the meiosis second. Okay. So यहाँ पर क्या start करने आ रहे हैं यहाँ पे आपका meiosis second. Okay. Meiosis second मतलब meiosis second में जो divisions होते हैं ना, जिसमें चार stage होते हैं, कौन से prophase second होता है, metaphase second होता है, anaphase second होता है और telophase second होता है, ठीक है। तो ये चारों phases एकदम meiosis stage के simple होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस stage को क्या बोल सकते हैं, mitotic in nature, ठीक है। जो meiosis first था वो बहुत ही डिफरेंट था माइटोसिस से, इसीलिए उसको उन्होंने इसके अंदर सिमिलर नहीं बोला, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ डिवीजन मियोसिस फर्स्ट को, और मियोसिस सेकंड को क्या बोल सकते हैं, माइटोटिक इन नेचर और इक्वेशनल डिवीजन, क्या बोल सकते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसके जितने भी फेज होंगे उसमें जो जो मतलब स्टेप्स लाई करेंगे, जो जो प्रोसेस होगी वो एकदम डिटो सिमिलर है इसके माइटोटिक डिविजन के, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइटोटिक इन नेचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मियोसिस सेकंड। हमारी जो पहली स्टेज आती है इसके अंदर कौन सी आती है, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा, उसमें क्या हुआ था कि सेंट्रियोल्स का, सेंट्रियोल्स जो हो गए थे क्या हो गए थे, मतलब अपोजिट पोल से मूव करना स्टार्ट कर जाते थे, और न्यूक्लियर मेरिड हमारा क्या होता था, डिसअपीयर हो चुका था उस टाइम तक, न्यूक्लियर डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता था हमारा, ठीक है। तो ओवर डायग्राम आप देख लेते हैं समझने के लिए प्रोफेज सेकंड को, ठीक है, ये डायग्राम हमारा बनता है यहां पे, ये आपके सेंट्रियोल्स हो गए, एस्टर बेस फॉर्मेशन, ठीक है, फिर ये आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो डिसइंटीग्रेट होने स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, गायब होने स्टार्ट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेम प्रोसेस के अंदर ही होती है, एस्टरेज फॉर्मेशन सेंट्रियोल्स के साथ आपका, ओके, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपीयर हो जाती है उस टाइम तक, मतलब डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियस आपका गायब होना स्टार्ट हो जाता है, और क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं सब छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहां पे क्या होगा, प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसमें क्या क्या हो रहा है आपका, पहला तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन एंड शॉर्टनिंग, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन और उसकी शॉर्टनिंग हो रही है, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है आपके यहां पे, आपका यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, डिसअपीयर्स, और जो आपके सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ओके। तो ये देख रहे हो ना, जितने भी यहाँ पे क्या हो रही, इतनी प्रोसेस हो रही है इसके अंदर प्रोफेज सेकंड के अंदर, एकदम माइटोसिस से है ना, मतलब माइटोसिस में जो प्रोफेज हुआ था हमारा,
प्रोफेज एजेंट उसके तरह सिमिलर है, डिटो सेम टू सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइटोटिक इन नेचर ही बोलते हैं। ओके, तो यहां पे क्या क्या होगा, हमारा सेंट्रियोल जो थे अब अपोजिट पोल से मूव करना स्टार्ट हो चुके, मतलब ये यहां पे चलाएगा, ये यहां पे रहेगा, ठीक है, ये वाला भी यहां पे चलाएगा, ये दोनों चलाएगा, ठीक है। और क्या होगा, न्यूक्लियर मेरा आपकी गायब होने स्टार्ट हो चुकी है, क्रोमैटिड्स जो थे पहले लंबे लंबे थे, फैले हुए थे आपस में, हां, फिर यहां पे शॉर्ट हो गए, मोटे हो गए, कंडेंस हो गए, ठीक है, और न्यूक्लियस आपको गायब होना स्टार्ट हो गया, तो ये आपका प्रोफेज सेकेंडरी स्टार्टअप हो गई, ठीक है। यहां पर हमारा प्रोफेज खत्म हुआ, इसके बाद जो हमारी मेजर थी कौन सी आती है आपकी, इसके बाद जो हमारा सेकेंडरी होता है कौन सा होता है आपका, मेटाफेज सेकेंड, ओके, मेटाफेज सेकेंड को और भी क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल फेज सेकेंड बोलते हैं, मेटाफेज सेकेंड और इक्वेटोरियल फेज सेकेंड, इक्वेटोरियल फेज सेकेंड। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने पेयर के साथ इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाइक कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है ना, सेंटर मतलब ये बना, ये आपके सेंट्रियोल्स हो गए जो अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं, ठीक है, ये आपके सेंट्रियोल्स हैं जो अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं। फिर यहां से क्या होता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आपके यहाँ पे स्पिंडल रेशियो फॉर्मेशन हो गया, और क्या होता है यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सब इक्वेटोरियल प्लेट पे चले आते हैं, ठीक है, इक्वेटर पर लाइक हो जाते हैं, ये देखो ना, ये देखो ना, इक्वेटर द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल मतलब इक्वेटर जो होता है वहां पर आपके इधर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स लाइक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कि इसमें क्या क्या होगा, इसके अंदर सेंट्रियोल्स reached at opposite poles, जो आपके सेंट्रियोल्स थे मेटाफेज सेकेंड में अपोजिट पोल से पहुंच चुके थे, और क्या हुआ था, स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुका था, स्पिंडल फॉर्मेशन और क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स लाई एट इक्वेटर, जो क्रोमैटिड्स थे जो मतलब अरेंज थे पोल्स के पास, वो सब अरेंज मतलब दोबारा क्या हो गए, इक्वेटर के ऊपर आके अरेंज हो गए, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या हुआ आपका, पहला हुआ सेंट्रियोल आपके अपोजिट पोल्स तक पहुंच चुके थे, दे रीच्ड एट अपोजिट पोल्स, दूसरा आपका क्या हुआ, स्पिंडल फॉर्मेशन, इन्होंने थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर एक फॉर्म हो रहा है सेंट्रियोल्स पर, जो कि क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पर आके बाइंड कर रहा है, वो होते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो क्रोमोसोम से इक्वेटर वाले लाइक कर गए, तो यहां पर क्या हुआ, मेटाफेज के खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट क्या होता है, एनाफेज सेकंड, ठीक है, एंड जस्ट इसके बाद क्या होता है आपका, एनाफेज सेकंड, ठीक है। एनाफेज सेकंड भी जानते हैं आप क्या होता है, एनाफेज में क्या हुआ था माइटोसिस में, कि जो क्रोमोसोम्स था वो उसका क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर से अटैच थे वो टूट के दो में बिखर गया था, और दोनों अपोजिट पोल से मूव करना स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो यहां पर भी सेम डिटो वैसा ही होता है, क्या होता है यहां पे देखिएगा, ये आपका सेंट्रियोल दोनों साइड का सेंट्रियोल हो गया, ये आपका सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। यहां से आपके जो क्रोमोसोम्स थे उनके अब सेंट्रोमियर क्या हो गए, टूट चुके हैं, ठीक है, देख लो ना, सेंट्रियोल्स के जो क्रोमोसोम्स थे मतलब क्रोमोसोम के जो सेंट्रियोल्स थे, जो क्रोमैटिड्स के सेंट्रियोल्स थे, स्प्लिट होके दो में बट गए, और ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इसको सेंट्रियोल्स की तरफ मतलब पोल्स की तरफ खींचना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, देख लो ना कैसे हो रहा है, द स्पिंडल रेज starts pulling the chromatids towards the poles, और क्या हुआ, centromeres split into two, उसके बाद क्या हुआ, centriole से जो spindle fibers निकल रहे थे वो सब उसको pull करते हैं किसकी तरफ, poles की तरफ, जो chromosomes होते हैं हमारे starts moving towards the opposite poles, okay, देखा ना यार, break down हो गया, mitosis में क्या होता है, sequence में ऐसा हुआ था ना, वही यहाँ मेरा फिर second में भी होता है, क्या होता है, each centromere Each centromere splits into two
इनटू टू एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. जो जितने भी सेंट्रोमीटर थे वो सब टूट गए और क्या कर दिए, अपोजिट पोल्स भी मूव करना स्टार्ट हो गया. ठीक है, और क्या हुआ, जो स्पिंडल फाइबर था उसका श्रिंक हुआ. हाँ, स्पिंडल फाइबर श्रिंक्स श्रिंक्स एंड स्टार्ट पुलिंग क्रोमेटिड टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स. स्टार्ट पुलिंग क्रोमेटिड टूवर्ड्स पोल्स. ठीक है, आपने देखा ना, तो ये सेम फेज माइटोसिस में भी हुई थी, वही सेम फेज माइटोसिस के जो एनाफेज में हुई थी, वही सेम फेज आपके मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में भी हो रही है. देख रहे हो ना, ऐसे ही क्रोमोसोम्स वहां पर भी टूट के बिखर गए थे, सेंट्रोमियर टूट के बिखर गया था और अपोजिट पोल पर चला गया था. यहां पर भी ऐसे ही सेंट्रोमियर टूट के बिखर जाता है और अपोजिट पोल चलाता है, लेकिन एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेंट्रोमियर नहीं टूटता है. विदाउट द एक्चुअल स्प्रेडिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपोजिट पोल में रहते हैं. और इसमें क्या हो रहा है, आपके सेकंड में क्या हो रहा है, विद द एक्चुअल स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. ठीक है, इसमें सेंट्रोमियर का स्प्लिटेशन हो रहा है, उसके बाद वो सब अपोजिट पोल से मूव करना स्टार्ट कर जा रहे हैं. ठीक है, अब इसी का जस्ट बात कौन सी फ्री होगी हमारी, इसका जस्ट बात होती है हमारी टेलोफेज सेकंड. ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है कौन सी होती है, टेलोफेज सेकंड. उसी फेज के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है चार पार्ट में. ठीक है, और न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू फर्दर फोर पार्ट्स. ठीक है, टेलोफेज सेकंड, इसका डायग्राम देख लेना अच्छे से. ठीक है, तो आपकी जो सेल थी उसका जो न्यूक्लियस था वो टूट के चार पार्ट में पड़ गया. ठीक है, यहां पर आपके सेंट्रीओल्स आ गए. ठीक है, एक सेंट्रियोल आ गया आपका, सेंट्रियोल आ गया आपका यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस हो गया जो चार न्यूक्लियस से बढ़ गया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर हो गई, न्यूक्लियोलस यहाँ पर फिर से रीअपीयर हो जाता है. ठीक है, और जितने भी चारों बनते हैं वो चारों इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया, एक क्रोमोसोम यहाँ पे और एक क्रोमोसोम यहाँ पे. क्या हुआ, इट इज द बिगनिंग ऑफ टेलोफेज. ठीक है, और वहां पे कंप्लीट हो गया. उससे पहले क्या हुआ था, जो स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे थे, क्रोमोसोम्स को तोड़ के मतलब अपोजिट पोल से मूव करवा रहे थे. अब यहां पे क्या हुआ, वो सब कंप्लीट हुआ और उसके बाद ही न्यूक्लियस चार न्यूक्लियस में बट गया यहाँ पे. ठीक है, तो इसके अंदर भी वही सेम फेज होगी, मतलब क्रोमेटिक नेटवर्क जो गायब हो चुका था वो फिर से रीडेवलप कर जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से वहां पे अपीयर कर जाएगी, न्यूक्लियस फिर से वहां पे अपीयर कर जाएगा. हाँ, और क्या होगा, चार न्यूक्लियाई में मतलब फोर न्यूक्लियाई में एक न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका होगा. यहाँ पे क्या हुआ था, आपका स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर्स हो गए थे ना, वहां पे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर्स, फिर फोर न्यूक्लियाई आर फॉर्मड व्हिच कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. देख रहे हो ना, चार न्यूक्लियाई बन चुकी है, इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा, टेलोफेज सेकंड का कंप्लीशन हो गया. टेलोफेज सेकंड आप क्या हुआ हमारी, कंप्लीट हो गई पूरी तरह. ठीक है, और इसीलिए जस्ट बाद जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है हमारी, माइटोसिस में क्या हुआ हमारे अंदर, माइटोसिस में क्या हुआ था, साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ पर भी मियोसिस सेकंड के अंदर जो यहाँ पर फेज कंप्लीट हो रही है कौन सी हो रही है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस. टेलोफेज सेकंड के बाद जो जस्ट बाद जो फेज होती है कौन सी होती है, साइटोकाइनेसिस की होती है. ठीक है, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो ये टेलोफेज था इसके कंप्लीशन के बाद ये सेल चार पार्ट में आकर डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, और यहां पे क्या फॉर्म कर लेगी, फोर नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, चार हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स यहां पे फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, यहां पे चार सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका सेंट्रियोल हो गया यहां पे आपका. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, फिर आपका ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो आपका बनता है यहां पे. ठीक है, न्यूक्लियस या आपका क्रोमेटिन नेटवर्क जो फॉर्म होता है दोबारा इसके अंदर सेल के अंदर, वो ये आपका हो गया. ठीक है,
तो इसके अंदर आपने देखा कि मतलब इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियोज यहां पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या हो रहा है यहां पे, चार सेल्स फॉर्मेशन हो गए। उसके बाद पहले चार न्यूक्लियस फॉर्म हुआ इसके अंदर, फिर हो गए सेकंड के अंदर, और उसी के जस्ट कंप्लीशन के बाद यहां पे क्या हो गया आपका, क्या हुआ आपका यहां पे साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर क्या हो गया यहां पे आपका, क्या हुआ चार सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, व्हिच आर हैप्लॉइड इन नेचर। मतलब कि इनकी जो प्लॉइडी होगी कैसी होगी, एन होगी, ठीक ना। तो यहां पे देखा ना आपने कि एक 2l डिवाइड हुई, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ म्यूसिस, स्पष्ट है। उसके बाद चार हैप्लॉइड सेल्स यहां पे बन गए। ये होती है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस से, मियोसिस, ओके। तो मियोसिस के कंप्लीशन के बाद क्या होता है, चार हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ध्यान में रखना, जो मियोसिस फर्स्ट हमने करवाई थी वो थी हमारी रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और जो मियोसिस सेकंड हमारी होती है कौन सी होती है, इक्वेशनल डिवीजन, ओके। समझ आ गया सबको। So here meiosis is fully completed, okay? Meiosis क्या बोलते हैं, complete हो गई। तो हमने देखा कि मतलब कौन कौन से phases होते हैं यहाँ meiosis के, और उसके कैसे further division होता है, मतलब meiosis first कैसे होती है, meiosis second कैसे होती है, और meiosis first से पहले interphase कैसे होती है, मतलब ये cell जब खुद को prepare करती है meiosis first के startup से पहले, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में हमने पढ़ा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, जहां पे क्रोमोसोम क्या हो रहा था, बायवेलेंट क्रोमोसोम फॉर्मेशन कर रहा था, फिर वहां से उसको फर्दर फर्दर क्या करता, उसको फर्दर मतलब फर्दर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा था दूसरे मतलब डिवीजन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद मेटाफेज हुआ इक्वेटोरियल प्लेट वाला फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एनाफेज जब उनका सेंट्रोमियर बिना टूटे स्प्लिट हो गया दो में, ठीक है, मतलब विदाउट द स्प्लिशन ऑफ, वो क्या हुआ अपोजिट पोल्स पे जाकर मूव कर गया, फिर टेलोफेज फर्स्ट हुई, उसके बाद प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हुआ, मेटाफेज सेकंड स्टार्ट हुआ, एनाफेज सेकंड स्टार्ट हुआ, टेलोफेज सेकंड स्टार्ट हुआ। टेलोफेज सेकंड के एंड के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस चार न्यूक्लियस से बढ़ जाता है, इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर उसी के जस्ट बाद क्या होती है यहां पे साइटोकाइनेसिस हो जाती है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म जाता है, फिलामेंट टूट के फिर वो फर्दर चार सेल्स में यहां पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये चार सेल्स बनते हैं कैसे होते हैं, दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और उसके अंदर जो फेजेस होती है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, उसमें मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल और मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल, ओके। आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाली जरूरत नहीं है, इसको बहुत ही इजीली इसको वीडियो देखोगे तो बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा, ओके। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।